जब भी हम हलवाई के मिठाई लेने जाते हैं तो हम देखते हैं ना, वहाँ पे रंग बिरंगी तरबूज शेप की मिठाई होती है। तो आज हम ये घर पे बनाएंगे और यकीन मानिए, सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से ही ये मिठाई बनके तैयार होती है। और स्वाद के तो क्या ही कहिए, इतना ज़्यादा बढ़िया इसका स्वाद आता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, हम इसे अपने हाथों से बनाते हैं और घर पर ही इसको हम तैयार करेंगे। देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, और बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये मिठाई है। नमस्ते दोस्तों, मैं कविता, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, ट्राई करने के बाद पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये मजेदार रेसिपी बनाना। तरबूज जैसी शेप की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध लिया है 2 किलो, मगर मैं इसको 1 किलो ही दूध में बनाऊंगी, आधा हम अलग रख देंगे, आधा हम किसी और मिठाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूध लिया है और इसको लगातार हम तेज़ आंच पे चलाते रहेंगे, और देख ही रहे हैं आप कि ये जैसे जैसे कम होता जा रहा है गाढ़ा हो रहा है, और अब हम इसको आधा निकाल लेंगे। ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, बस अब ये जो आधा हमारा 1 लीटर दूध रह गया इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसमें मैंने आधा कप चीनी डाली है और थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए केवड़ा एसेंस डाला है, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए। और ये देखिए इसको लगातार चलाते रहेंगे और ये साइड से इसकी जो मलाई है उसको स्क्रैच करते रहेंगे। जैसे जैसे दूध गाढ़ा हो रहा है इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। जब हम घर में मावा निकालते हैं तो उसका कलर हमेशा थोड़ा सा ब्राउन ही आता है, वाइट नहीं आता है। मार्केट में मिलने वाला जो मावा होता है वो वाइट इसलिए, तो इसमें केमिकल डालते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच घी, और बस अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा मावा है वो अच्छे से कढ़ाई को छोड़ दे। अब मैंने गैस बंद कर दिया है क्योंकि इसमें छींटे उड़ रही थी। 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे और फिर से हम गैस ऑन कर लेंगे। इससे होगा ये कि जो छींटे होती हैं वो नहीं उड़ेंगी, इसलिए जब भी आप मावा निकालें लास्ट में जब थोड़ा सा ये छींटे देने लगता है ना, गैस बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए, और उसके बाद गैस ऑन करके फिर चलाइए, तब ऐसा नहीं होगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और बस इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने देंगे। तो यहाँ पे मैंने को चलाते हुए इसको 4 से 5 मिनट हो चुकी है और गैस की आँच मैंने धीमी रखी है, और अब ये देखिए ये कढ़ाई को अच्छे से छोड़ दिया है, ये देखिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक प्लेट में हम ये सारा मावा निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं आप इसका जो कलर है, सफ़ेद ना आकर थोड़ा सा चॉकलेटी वाला ब्राउन कलर आ गया है, क्योंकि ये हमने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला। इसको ठंडा होने के बाद ये देखिए ये थोड़ा सा टाइट हो चुका है। तो अब हम हाथों की मदद से इसको इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये अच्छे से हमारा ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने पर थोड़ा सा टाइट हो जाता है, पर कोई बात नहीं। अब हम इसको हाथों से, मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से मैश करा था, और अब इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। इसको हमें इक्वल डिवाइड नहीं करना है, थोड़ा सा बड़ा छोटा हम रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक में हम पीस लेंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ नारियल का बुर। तो ये जो है बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है। मैं इसमें 3 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा डाला है, डेसिकेटेड कोकोनट मार्केट में इजिली अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो सूखा नारियल होता है वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए डाला था। ये मैंने अच्छे से मिला लिया है, ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी इस तरह से गोलियाँ बना लेंगे। तो ये मैंने सारे इस पीस के बना लिए हैं, और अब हम इसको इस तरह से एक पेड़े वाली शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो सारे मैंने इसके पेड़े के सर्कल इस तरह से बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा पार्ट लेंगे, जो सबसे छोटे वाला है ना, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल कलर, और बस इसमें हम 1-2 बूंदे डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। क्योंकि जब भी आप देखते हैं ना तरबूज हम खाते हैं वो अंदर से लाल होता है, तो बस वो वाली शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये वाला जो लाल वाला पोर्शन होता है सबसे कम होना चाहिए, ये सबसे अंदर हमारा फिल होता है। तो बस अब इसको हम इसकी भी छोटी छोटी सी कर लेंगे बॉल्स रेडी। ये लीजिए, ये बढ़िया सी हमारी जो बॉल है ये भी बन के तैयार हो रही है। अब कोई भी मिठाई घर पे बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मेहमानों को भी देंगे वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने जब ये मिठाई बनाई सबने बहुत तारीफ़ करी। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी रेड वाली तो तैयार हो चुकी है, अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाउडर फॉर्म डाला है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा एसेंस डाल रही हूँ। इसको इसमें हम पानी तो डाल नहीं सकते, इसलिए मैंने थोड़ा सा एसेंस डाला है, और बस अगर आपके पास लिक्विड वाला कलर है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी अच्छे से इसको मिला लेंगे हम।
ताकि सारा कलर हमारे इस मावे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा तब इसकी भी हमें इस तरह से बॉल बना लेनी है। तो ये वाला जो बॉल है ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ऊपर आएगा, इसलिए ये वाला जो ग्रीन वाला हमारा पार्ट था इसको हमें थोड़ा बड़ी बड़ी बॉल्स बनानी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रीन वाले की सारी बॉल बना लेंगे हम। तो ये लीजिए, ये भी बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वाइट वाली है इसके अंदर हम डालेंगे लाल वाली छोटी छोटी बॉल और इसको पूरी तरह से हम कवर कर लेंगे। ये जैसे आप वो बनाते हैं ना कचौड़ी के लिए लोई, तो बस इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, आलू ना डाल के इसमें हम डाल दें लाल वाला बॉल और इसको कवर कर देंगे। अब हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, ग्रीन वाला लेंगे, इसको हम थोड़ा सा, इसको हमें बड़ा रखना है इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक बढ़िया सी ये पूड़ी वाली शेप आ जाएगी इसकी, और इसको फिर हम आराम से इसके ऊपर कवर करेंगे ना, अच्छे से ये कवर हो जाएगा। ये लीजिए, अब बस इसको भी हम इससे पूरी तरह से कवर कर देंगे। यकीन मानिए बहुत आसान है बनाना और देखते ही मन करता है खाने का। तो बस प्योर अपने हाथों से बनाइए हमारी ये बड़ी सी मिठाइयाँ, और इसको किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है खाने में भी, देखने में भी, और किसी को सर्व करने में भी। इसी तरीके से हम सारी जो हमारी मिठाइयाँ हैं वो हम बना लेंगे। तो ये लीजिए सारे हमारे जो मिठाई के रोल है वो बनके तैयार हो चुके हैं, और बारी है अब इनको कट करने की। तो एक बॉल रखेंगे और इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट है इसलिए खुल सकता है, बट इसको हाथों से इस तरह से प्रेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लीजिए आ गई ना तरबूज वाली शेप, क्योंकि हमने ये घर के मावे से बनाई है इसलिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। अगर आप मार्केट वाला मावा लेना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं, मार्केट वाले मावा तो बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है। तो बस अब इस तरह से हम सारी मिठाई की कटिंग कर लेंगे। तो आपको जितनी पतली इनकी शेप रखनी है आप उस हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने इस तरह से एक एक करके सारी मिठाइयों को मैंने इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है, और इसको हम प्लेट में इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। तो देख रहे हैं कितनी बढ़िया हमारी ये मिठाई बनके तैयार हुई है, बहुत ही कम सामान से और बहुत ही जल्दी से ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी है, और टेस्ट के तो क्या कहिए, बहुत ही बढ़िया से ये बनके हमारी तैयार होती है। इसको देखने में खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये लीजिए तरबूज वाली शेप की हमारी घर की बनी मावे की मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी डिफरेंट है और देखने में बहुत सुंदर है, टेस्ट के तो क्या ही कहिए। तो मैं तो इसको इंजॉय कर रही हूँ, मुँह में जाते ही घुल जाती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये देखिए तोड़ के हम इसको देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।